अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी। लेटेस्ट वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर हुई हूं और आज की वीडियो में मैं आपको रिकवरिंग सिखाऊंगी। रिकवरिंग से मुराद कि अक्सर लोगों की पिक्चर्स डिलीट हो जाती हैं, डेटा डिलीट हो जाता है और वीडियोस चली जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि डिलीट हो जाती हैं और वापस नहीं आ पाती। लेकिन आप इस बात को छोड़ दें, मैं आपके लिए जो एप्लीकेशन लेकर आई हूँ जिसका नाम है डिस्क डिगर, ये इतनी अच्छी एप्लीकेशन है, इसको मतलब बाहर के मुल्क में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे USA, UK, कैनेडा, क्योंकि मैंने जब इसकी कमेंट्स पढ़ी तो उसमें बहुत सारे लोग फॉरेन के थे, तो मतलब सबने अच्छी फीडबैक दी है। इसके अलावा भी मैंने काफ़ी एप्लीकेशन सर्च की, मेरी कज़न सिस्टर के साथ ही मसला आ गया था, उसकी पिक्चर्स डिलीट हो गई, तो मैंने इसको रिसर्च लगाई और काफ़ी मेहनत करने के बाद जो मुझे ये एप्लीकेशन मौसूल हुई, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। सबसे पहले आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपने इसे इस तरह ओपन करना है। यहाँ पर लिखा हुआ होगा स्टार्ट बेसिक फ़ोटो स्कैन, अगर आपका मोबाइल रूट है तो रूट से ही होगा कि आपकी डीप क्लीनिंग होगी, डीप जो है ना आपका सारा जो है डेटा रिकवर करेगा, डीप की ज़रूरत नहीं है, बेसिक से ही काफ़ी चीज़ें वापस आ जाती हैं। हज़ारों की तादाद में आप देखिएगा कि पिक्चर्स जो है रिकवर करेगा हर जगह से और बाकी बिल्कुल क्लियर होती हैं, बिल्कुल सही होती हैं। देखिए 35 फाइल फाउंड, 145 इग्नोर, ये जो इग्नोर कह रहा है ये रूटेड फाइल को इग्नोर नहीं कहेगा, उन्हें जो है बिल्कुल कम्प्लीटली तौर पर ये प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से जो है आप सारा डेटा अपना पिक्चर्स वीडियोस हर चीज़ जो है ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये पिक्चर्स को रिकवर करने का काम आता है और बहुत ज़्यादा जो है ना इसका जो है अच्छे तरीके से ना क्लीन करके रिकवर कर देता है। सेटिंग में जाके आप देख सकते हैं कि अगर आप चाहें तो इमेज का साइज़ और बाइट्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 10,000 हुआ हुआ है, मैंने कुछ भी चेंजिंग्स नहीं की। अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो आप चेंजेस कर सकते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पिक्चर्स हैं और वो जो हैं डाउनलोड होती रहेंगी और कोई भी इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, सब कुछ आसान है। आपने इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने कर देना है रिकवर, कौन सी जगह रिकवर करना है, सेव द फाइल और कस्टम्स, इसको ऐसे करके आपने जो है कोई भी सिलेक्ट स्टोरेज करके, आपने DCIM बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो आप इसमें सिलेक्ट स्टोरेज करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये सारी पिक्चर जो मैं सिलेक्ट करूँगी ये वहीं पर ही आएगी। अब यहाँ पर अपग्रेड टू प्रो लिखा हुआ है, इसको आप नो थैंक्स करके, इसकी नीड भी नहीं है, तो आप इस तरह करके अपनी पिक्चर्स को डाउनलोड करके रिकवर करके गैलरी में ला सकते हैं। तो ये छोटी सी ट्रिक थी जो कि आई होप कि आपने पहले नहीं देखी होगी, अगर देखी होगी तो फिर भी आपके लिए एक नई ही है, क्योंकि ये जो है अपग्रेड वर्जन है, पुराना वाला नहीं है, इसमें अच्छी स्कैनिंग हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और प्लीज़ पुराने सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, 2 सेकेंड लगते हैं आपको लाइक और कमेंट्स करने में और फिर भी आप लोग नहीं करते, तो प्लीज़ 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 ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।